लोकसभा चुनाव रिजल्ट से पहले अखिलेश का बीजेपी पर वार। अखिलेश ने कह दी यह बड़ी बात। भाजपा पर क्यों तमतमाए सपा प्रमुख, क्या कह दिया अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। समाजवादी पार्टी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर देश की जनता पर महंगाई थोपने और युवाओं को बेरोजगार बनाने का आरोप लगाया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया और बिना जांच के उन्हें जानलेवा वैक्सीन लगवा दिए। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को आपस में लड़ाने और भाई को भाई के साथ खड़ा करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने मानसिक रूप से अपने समर्थकों को हिंसक बना दिया है। अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दुनिया में डंका बजाने की बात करने वालों का ही ढोल पिट गया है। उन्होंने कहा कि देश में कई चीजों के लिए भाजपा जिम्मेदार है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा पेपर लीक कराएं, बेरोजगारी बढ़ी, महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, यही नहीं मणिपुर में हिंसा हुई। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में महंगाई बढ़ी, नोटबंदी से गरीबी बढ़ी, खाद की बोरी की चोरी की, अमीरों के लोन माफ किए, किसानों को खुद खुशी पर मजबूर किया, अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने किसानों की हत्या की उन्हें मंत्री बनाए रखा, न्यायपालिका में भी अपनी सेटिंग की, ईडी सीबीआई को सरकार बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया, विकास और रोजगार के झूठे आंकड़े दिए, लोकतंत्र को मनतंत्र बनाया। सरकार पर अखिलेश का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जैसी योजना लाई गई, चीन भारत की जमीन दबा रखा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि जनता इस बार गांधी जी की तरह करो और मरो के फार्मूले पर अपना बलिदान देने को तैयार है। 140 करोड़ जनता के आगे भ्रष्ट तंत्र नहीं टिक सकता है। वहीं अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल के अनुमानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पतंग जितनी ऊंचाई पर जाकर कटती है उतनी ही नीचे आकर गिरती है। हमारा एग्जिट पोल कहता है कि इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें यूपी से मिलेंगी।